हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि मोबाइल में सेटिंग को रीसेट कैसे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोग चाह रहे हैं कि अपने मोबाइल में सेटिंग को रीसेट करना, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि मोबाइल में सेटिंग को रीसेट कैसे किया जाता है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी मोबाइल में, किसी भी कंपनी के मोबाइल में आप लोग सेटिंग को रीसेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सेटिंग को रीसेट करने की ज़रूरत जब पड़ती है जहाँ पर आप लोग के फ़ोन में ऑटोमेटिकली कोई सेटिंग जो है छिड़ गई है या गड़बड़ हो गई है या कोई काम आप लोगों का फ़ोन जो है सही से नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आप लोग अपने फोन की जो सेटिंग है उसको रीसेट करना चाहेंगे। लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि मोबाइल में सेटिंग को रीसेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग मोबाइल में जो सेटिंग रहती है उसको रीसेट कैसे करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर दिया आज की वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन में जो सेटिंग है उसको रीसेट करने से पहले आप लोग वीडियो को सही से और ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप लोग सेटिंग को सही से नहीं करेंगे रीसेट, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग के फ़ोन में जो डेटा वगैरह रहता है वो भी रीसेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को सही से देखिए। तो सेटिंग को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करेंगे, और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा आपके फ़ोन में, एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, ये देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो नीचे मिलेगा आप लोगों को बैकअप एंड रीसेट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, देख सकते हैं रेज ऑल डेटा, और ऊपर आ रहा है फैक्ट्री अप एंड सॉरी बैकअप एंड रीस्टोर, तो इरेज ऑल डेटा आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है इरेज ऑल डेटा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इससे क्या है, आप लोग का पूरा फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन में फोटो, वीडियो, ऑडियो, फाइल्स, ऐप्स सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को क्लिक नहीं करना है, आप लोग को अपने फ़ोन में सेटिंग जो रीसेट है वो करनी है। तो आप लोग को मिलेगा यहाँ पर एक मिल जाता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो आप लोग जो नेटवर्क की सेटिंग है उसको रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। और एक आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, देख सकते हैं रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, तो यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नीचे पॉप आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। और जैसे आप लोग देख सकते हैं आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग की जो सिस्टम सेटिंग है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग की जो सिस्टम सेटिंग है सारी रीसेट हो चुकी हैं। तो बस इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन में जो सिस्टम सेटिंग है, अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको रीसेट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है सेटिंग को रीसेट करने में, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।